है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मंदीप सिंह इंसा का जोड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, मीडिया में काफी दिनों से खबरें चल रही है कि डेरास्ता सोडा के प्रमुख संत गुरमीत राम रीत सिंह इंसा ने पैरोल लगाई हुई है, जो कि 42 दिन की पैरोल खेती बाड़ी के लिए लगाई गई थी। लेकिन आपको बता देंगे, डेरास्ता सोडा के प्रमुख संत गुरमीत राम रीत सिंह इंसा की तरफ से यह जो पैरोल लगाई गई थी, इसको अब वापिस ले लिया गया है। यह 1 जुलाई 2019 की खबर है। आपको बता देंगे, इससे पहले डेरास्ता सोडा के पैरोल पर जहां पर हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी, तो वहीं जेल प्रशासन की तरफ से भी हरी झंडी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें डेरास्ता सोडा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम के नाम पर कोई जमीन न खोलने का दावा किया था। लेकिन उसके बाद जेल प्रशासन ने दोबारा से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था, जिसको कि दोबारा से अब सौंपा गया है और उसमें भी यही बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले मीडिया में बहुत सा घमासान मचा था डेरास्ता सोडा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पैरोल को लेकर। लेकिन अब डेरास्ता सोडा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के वकीलों द्वारा पैरोल को वापस लेना सभी को चौंकाने वाला फैसला लग रहा है। इससे पहले भी पैरोल को वापस ले लिया गया था। दोस्तों, डेरास्ता सोडा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम इंसा के वकीलों द्वारा यह फैसला लिया गया कि पैरोल को वापस ले लिया गया। लेकिन इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही थी कि किसी तरह से डेरा प्रमुख को बाहर आने से रोका जाए, लेकिन उससे पहले ही डेरा प्रमुख ने खुद ही यह पैरोल वापस ली है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। रहे हैं सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।